About the equality of vectors. So two vectors, पहले हम डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं. टू वैक्टर्स ए वैक्टर एंड बी वैक्टर आर सेट टू बी इक्वल ओनली इफ they have same magnitude and same direction. If they have same magnitude and same direction. एक वेक्टर के साथ दो इन्फॉर्मेशन होते हैं, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में और उसके डायरेक्शन के बारे में. और ये हमने लास्ट आर्टिकल में पढ़ा था, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में ही आपको जानकारी दी थी कि जो लेंथ ऑफ द वेक्टर है विल डिसाइड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. अब हम इसको एक पिक्चर की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास दो वैक्टर्स हैं, ए वैक्टर एंड बी वैक्टर. तो आप पिक्चर कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि मैं उसको मार्क करता हूँ कि ये उसका टेल हो जाएगा और दिस पॉइंट टेल इज रिप्रेजेंटेड बाय सम पॉइंट ओ एंड इट्स हेड इज रिप्रेजेंटेड बाय सम पॉइंट पी. इसको मैं लिख देता हूँ कि ये वेक्टर ए वेक्टर है और इसी के साथ हम बी वेक्टर को लिखते हैं. फिर हम चेक करते हैं कि चेक करने के लिए हम करते क्या हैं कि दो वेक्टर इक्वल हैं या नहीं. तो ये ए और टेल और हेड के बीच में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए, और ये टेल हो गया क्यू और ये हो गया एस, ये हो गया लेंथ ऑफ द वेक्टर. सो दिस इज बी वेक्टर. नाउ सो इफ दिस टू वेक्टर्स आर सेट टू बी इक्वल, सो इट हैज़ टू इन्फॉर्मेशन. एक कि जो लेंथ ऑफ द वेक्टर विल डिसाइड द मैग्नीट्यूड, द लेंथ ऑफ द वेक्टर विल डिसाइड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड दिस एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर. ओके, अब आपको ये चेक करना है कि क्या ये दो वेक्टर इक्वल हैं. इसके लिए आप क्या करेंगे, आप ऐसा करेंगे कि जो बी वेक्टर है उसको आप पैरेलल टू इट्स लेंथ, ये देखिए इस तरीके से चलना है आपने, ऐसे करके आपने टेल को टेल की ओर से और हेड से हेड की ओर से इसको ऊपर की ओर मूव कराना है. फिर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि ये जो आपका वेक्टर ए है वो कुछ इस तरीके से ऐसे हो जाएगा पॉइंट ओ और ये पॉइंट पी हो जाएगा, ये एरो हो जाएगा. ओके, और जो इसके बीच का गैप है, इस गैप के पैरेलल आपने इसको आगे ले जाना है. और यहाँ देखिए कि जो क्यू है, और ये देखिए क्यू, मैं इसको इसके ऊपर रख देता हूँ ऐसे करके. जब क्यू जो है ओ के साथ मैच करे और जो पी है वो एस के साथ मैच कर जाए तो हम कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर जो हैं वो यहाँ पी और एस दोनों मैच कर रहे हैं, यहाँ ओ और क्यू एक दूसरे से मैच कर रहे हैं. यदि ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो दो वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर कह देते हैं. ओके, अभी एक आपको और एग्जांपल देते हैं, एक एग्जांपल हम और देते हैं. देखिए फॉर एग्जाम्पल के एक वेक्टर है आपके पास, ये लेंथ जो है वो उसकी मैग्नीट्यूड को बता रहा है, इसको हम ए प्राइम वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका जो टेल है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ओ प्राइम एंड इट्स हेड इज रिप्रेजेंटेड बाय सम पी प्राइम. ओके, एंड देर इज अनदर वेक्टर, दिस इज बी प्राइम वेक्टर. सो दिस इज लाइक दिस, देखिए, और ये वेक्टर जो है वो बी प्राइम वेक्टर है और इसका जो टेल है इसको हम क्यू प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो हेड है इसको हम एस प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं. अब हम यही प्रोसेस यहाँ फॉलो करेंगे. ये भी यदि इसको आप डिस्प्लेस करें तो ओ, यदि ओ प्राइम जो और क्यू प्राइम जब आप मैच करें, ओके,
और एक दूसरे के साथ मैच कर जाएं। टेल को जब टेल के ऊपर आप ऐसे करके इसको शिफ्ट करेंगे इसकी ओर, और जो पी प्राइम है वो एस प्राइम के साथ मैच कर जाए, तो ये इक्वल वेक्टर की एक अनदर पिक्चर है। ये दोनों वेक्टर क्या हो गए? इक्वल वेक्टर हो गए। अब मैं एक तीसरा एग्जांपल भी आपके साथ करना चाहता हूँ, उसको आप देखिए जरा। यदि मान लो आपके पास कोई एक वेक्टर जो है, इसको आप फिर एक एग्जांपल लेते हैं। अब आप इसको ले लीजिए, ए डबल प्राइम वेक्टर हो गया, नाम है एक, आप कुछ भी रख सकते हैं। इसकी जो टेल है रिप्रेजेंटेड बाय ओ डबल प्राइम, और इसकी जो हेड है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पी डबल प्राइम, और दूसरा जो वेक्टर है उसको आप कुछ इस तरीके से लिख रखते हैं। ये देखिए जरा ध्यान से, इस पॉइंट को मैं क्यू डबल प्राइम लिखता हूँ, और इस वेक्टर को मैं एस डबल प्राइम लिखता हूँ। ये नाम है, सिर्फ टेल और हेड के नाम है, और नाम कुछ भी रखा जा सकता है, जैसे आप खुद के आपके नाम है। और बी को मैं ऐसे बी डबल प्राइम वेक्टर लिख देता हूँ। अब हमने क्या करना है, हमने चेक करना है कि क्या ये दो वेक्टर इक्वल हैं कि नहीं। तो अब आप क्या करेंगे, जब आप इसको इस ओर मूव कराएंगे इस तरीके से, ओके, तो सिचुएशन क्या बनेगी? सिचुएशन कुछ ऐसे बनेंगे कि जो जब ओ डबल प्राइम और क्यू डबल प्राइम एक दूसरे से मैच कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, तो उस टाइम क्या होगा, मैं कुछ इसको ऐसे लिखूं, जब हम इसको आगे खिसकाएंगे तो मेरे ख्याल से कुछ सिचुएशन ऐसा बनना चाहिए कि जो ए डबल प्राइम वेक्टर, तो मैंने वहीं रहने दिया, इसका जो लोकेशन जो पॉइंट्स हैं ये ओ डबल प्राइम हो गया और ये पी डबल प्राइम हो गया। अब आपने क्या किया कि आप क्यू डबल प्राइम को यहाँ ले आए, तो इसको मैं ऐसे मार्क कर देता हूँ कि ये यहाँ ले आए। अभी इसके ऊपर रख दिया आपने, बट इसके ऊपर रखने के बाद जो हेड है वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं किया। सो जो एस प्राइम है वो अलग उसकी पोजीशन है, हालांकि ओ प्राइम और जो क्यू प्राइम है वो दोनों एक जगह पर है। इस सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं कि दो वेक्टर जो हैं वो अनइक्वल वेक्टर हैं। दिस रिप्रेजेंटेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू अनइक्वल वेक्टर्स। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू स्टडी फ्रॉम दिस वीडियो ऑफ इक्वल वेक्टर्स एंड इक्वल एज वेल एज अनइक्वल वेक्टर्स। सो इट इज इनफ अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच।